वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस, अच्छे नेक्स्ट वाला आज आपके लिए एक और वीडियो लाया भाई अपनी थार मॉडिफिकेशन की। और आज हम कन्वर्ट करने वाले थार को रेंगलर में, जिसमें कि अपनी फ्रंट ग्रिल चेंज हो जाएगी, रेंगलर स्टाइल फ्रंट ग्रिल लगेगी। उसी के साथ साथ इसमें अपनी हेडलैम्प्स चेंज होंगी, जो कि रेंगलर की हेडलैम्प्स डलेंगे इसमें, जो कि रेंगलर्स में आते हैं। और उसी के साथ साथ अपने फॉग लैम्प में LED लग जाएगी। फ्रंट में कुछ ये काम होने वाला है, अंदर चले तो अंदर इसमें अपने मैट्स डलेंगे, GFX के मैट्स डलेंगे, अपनी ATM लाइट डलेगी, पीछे अपना इसमें रिफ्लेक्टर डलेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टर डलेंगे, ये कुछ काम होगा। बाकी जो जो काम होता रहेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। काम अपना हो रहा है ओनली ऑन प्रो ड्राइव एसेसरीज। और ये सारे, ये अपनी ग्रिल है जो कि अपनी लगने वाली है, GFX के मैट्स हैं, कर्टन्स लगेंगे, कर्टन्स सारे कर्टन्स है इसमें चारों, और डिग्गी का भी है। ये अपनी हेडलैम्प्स है, ये अपने फॉग लैम्प की LED है 2 साल की वारंटी के साथ, अपनी ATM लाइट डलेगी इसमें। ये सारा काम कुछ होगा, बाकी मैं आपको एक एक करके दिखाता जाऊंगा जैसे जैसे काम होगा। तो भाई ग्रिल अपनी इसकी हटा दी गई है, बहुत ही एक एक चीज़ ध्यान में रखते हुए खोलनी पड़ती है। दो नट इसके यहाँ होते हैं, दो नट यहाँ होते हैं, जो मेन नट है दो नट यहाँ पे होते हैं, दो नट यहाँ पे होते हैं। उसी के साथ साथ 3-4 नट एक पत्ती है, वो वहाँ पे वो जो पत्ती है जो यहाँ पे लगी होती है वो खुलती है। और उसके बाद भी ग्रिल यहाँ पे लॉक्स होते हैं प्लास्टिक वाले, उनमें फंसी रहती है, तो बड़े आराम से और तरीके से निकालनी होती है। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए निकालनी पड़ती है भाई, नहीं तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा या कुछ ऐसा, तो बहुत तरीके से निकालनी पड़ती है। अभी ग्रिल निकाल दी अपनी, ये ग्रिल रखी है, इसके नीचे वो प्लास्टिक का रखा है, जो बम्पर का है बम्पर यहाँ पे रख दिया सेफली। अभी इसके सबसे पहले हेडलैम्प्स चेंज करेंगे। हेडलैम्प्स के लिए जो इसका फ्रेम है वो फ्रेम खुलेगा प्रॉपर ये 4 नट के साथ, और पूरा भार आने के बाद फिर इसमें हेडलैम्प सेटअप करेंगे और फिर दोबारा से फ्रेम लग जाएगा। इनकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इनमें फ्रेम है, तो फ्रेम में ही हेडलैम्प्स फिट हो जाते हैं। तो जो इनका 7 इंच के होता है आई थिंक, ये तो कोई भी आप हेडलैम्प इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, स्पेसिफिकली वैसे थार के लिए आते हैं। बाकी अभी मैं ये भी खोल के आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे खुलेगा और कैसे कैसे इनका इंस्टॉलेशन है प्रॉपर। कुछ इसमें नहीं है, सब कुछ प्लग टू प्लग है, जैसे कि ये कपलर लग जाएगा, ये कपलर इसी में ही लगेगा क्योंकि ये फ्रेम का कपलर है जो कि इस हेडलाइट को अप एंड डाउन करता है, बीम को अप एंड डाउन करता है, तो वहाँ पर ही रहेगा। उसके साथ साथ उसमें अपना एक DRL का होगा, वो DRL का कनेक्शन हम यहाँ से ले लेंगे और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा प्रॉपर। कोई वायर कट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, सब कुछ एक नंबर का काम होगा। भाई हमारे साथ में ही है, भाई से मैंने बोला, मैं भाई बैठो अंदर, कह रहे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई DRLs का कनेक्शन हो चुका है, DRLs का जो कनेक्शन होगा वो होगा इन DRL से ही। इसमें जो वायरिंग आती है ना वो आती है फ्यूज़ बॉक्स की, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे जैसे कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया, तो मैंने फ्यूज़ बॉक्स में लगाया। फ्यूज़ बॉक्स में डायरेक्ट बैटरी का करंट था तो वो पॉसिबल नहीं है, वो वायरिंग ने कन्फ्यूज़ कर दिया, नहीं तो मैं यहाँ से ही लेने वाला था। और फिर मैंने अभी यहाँ से ही कनेक्शन किया इसका, कोई वायर कट नहीं हुई है, पीछे से पिन लगा के और मैंने उसमें कनेक्शन किया प्रॉपर सब चीज़ करके। ये भाई आप लॉक हुआ, ये अनलॉक हुआ, DRLs ऑन हो जाएंगी और ये कुछ ऐसे फ्लिकर करती हैं और ऑन होती हैं। हेडलैम्प अगर आप कहोगे तो हेडलैम्प मैं अभी ऑन करके दिखा दूंगा। अभी इसकी ग्रिल की फिटिंग करनी है, ग्रिल जो है अपनी वो रेंगलर स्टाइल वाली रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रिल है। और सबसे मेनली क्या है कि आजकल रेंगलर में भी एक नई वाली आई है, बट उसकी उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो बहुत हल्की है, उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हल्की है और ये उसके मुकाबले डबल से भी ऊपर है, ये उसके मुकाबले में डबल से भी ऊपर है। हालांकि उसमें जो मैश है, जो ये अंदर वाली जाली होती है, ये उसमें मेटल की होती है, मेटल मैश कह के देते हैं, बट उसका जो ये प्लास्टिक है ना, ये इतना हल्का है कि मैं ऐसे करने पे वो मुड़ रहा था, बहुत ही हल्का है, मतलब लगाते टाइम भी टूट सकती है, इतनी पॉसिबिलिटी थी। ये अपनी ग्रिल बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लुक है, एक नंबर की क्वालिटी है। थिकनेस अगर मैं आपको दिखाऊँ, ABS में है, फाइबर में नहीं है, ABS में है। और देखो भाई प्रॉपर थिकनेस देखो इसकी, बिल्कुल हैवी वाली है, हैवी क्वालिटी की है। फिट करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। तो भाई फाइनली अपनी कार हो चुकी है कंप्लीट। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये अपने इंडिकेटर्स हो गए और ये अपनी DRLs हो गई। इसमें फ्लिकर करती हैं, ये पहले ब्लू जलेगी फिर
वाइट में कन्वर्ट होगी। और एक बार मैं आपको थ्रो भी चेक करा देता हूँ, ऐसे काफ़ी अच्छा खासा है रोड अपना, तो यहाँ से मैं आपको थ्रो चेक कराता हूँ। ये आप देखो भाई, ये अपनी लो बीम आप देख सकते हो कहाँ तक जा रही है, और ये अपनी हाई बीम, ये है हाई बीम अपनी, ये लो बीम। हाई बीम भी बहुत ही अच्छी है इसकी, क्योंकि आफ्टर मार्केट लाइट्स में हर उसमें इतनी मतलब सब में ऊपर नीचे होती है भाई, बिल्कुल एक्यूरेसी किसी में, बट इसकी बहुत अच्छी हाई बीम है। और अभी ये बंद करके सिर्फ फॉग लैंप का आपको वो दिखाता हूँ रिस्पॉन्स। फॉग लैंप देखो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बस भाई ने उसी में डलवाया। भाई नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्टर डलवाएंगे, तो प्रोजेक्टर में थ्रो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, बस थ्रो चाहिए, तो थ्रो अपनी बहुत ही अच्छी थ्रो हो जाएगी आईपीएस प्रोजेक्टर लगने के बाद भाई। अगर आप फॉग लैंप में अगर आप एलईडी लगवा रहे हो तो उसके साथ साथ हाईली रिकमेंड है प्रोजेक्टर भी लगवाओ, क्योंकि तभी जो आपकी थ्रो है वो बहुत दूर तक जाती है। इनमें ये बहुत छोटी फॉग लैंप होते हैं, उनमें थ्रो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाती, उनके जो क्रोम है वो इतनी दूर तक थ्रो नहीं ले जा पाता है। अब ये देख लो भाई, बाकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा है, 240 वॉट है, मैक्सट्रॉन की 2 साल की वारंटी के साथ है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्लग एंड प्ले है कैनवस के साथ है, और उसी के साथ साथ अब ये DRL जली है, ये आप देखोगे तो ये देखो ये DRL है, और ये अपनी हाई बीम है, ये अपनी लो बीम है, हाई बीम लो बीम बहुत ही अच्छी है। बाकी एक बार मैं आपको पूरा आगे का जला के आपको लुक दिखा देता हूँ, कैसे लुक आ रहा है गाड़ी का भाई। ये देखो अभी अच्छा हाई बीम नहीं है, बाकी आप चेकआउट कर लो। रेंगलर स्टाइल अपनी ग्रिल लग चुकी है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अभी जो कुछ ग्रिल्स ऐसी आई हैं बहुत ही हल्की में है, बट ये जो इसका मैश है वो प्लास्टिक का ही है, बट मेटल वाले से अच्छा है। और अपनी फॉग लैंप में ये लग चुकी है पूरी प्रॉपर, एक भाई लुक देखो। बाकी भाई किसी भी भाई को अपना काम कराना है किसी भी कार में, चाहे थार हो चाहे कोई भी, वन एंड ओनली प्रो ड्राइव एसेसरीज। वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, अगर आपको वीडियो आई पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चिन विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।